पुलिस जो है आज किश्तवाड़ पुलिस ने फिर से यहाँ बस स्टैंड में नाका लगाया है और ऑटो वालों को इंस्ट्रक्शंस है कि वो जो है पर्दे नहीं लगाएंगे और जो भी उसमें पैसेंजर अंदर से होगा वो जो है वो साफ दिखाई देना चाहिए, इसलिए जो है वो यहाँ पर जो है उसको रिमूव कराए जा रहे हैं जो ऑटो के पर्दे लगे हुए हैं। क्राइम को रोकने के लिए जो है ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, तभी जो है वो यहाँ पर ऑटोज के जो है वो पर्दे उतारवाए जा रहे हैं और डायरेक्शन कई बार पास किया हमने भी, कई बार वीडियोस में बताया है ये कि ऑटो जो है वो कोई भी जो है वो पर्दा नहीं लगाएगा और जो भी सवारियां अंदर से रहेंगी वो जो है ओपन रहेंगी, क्योंकि अक्सर जो है वो इसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है वो रिपोर्ट होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बस स्टैंड में नाका लगा है, गाड़ियों चेक की जा रही है और DSP हेडक्वार्टर जो है वो आज खुद मौजूद है यहाँ पर। कुछ गाड़ियों को चालान किया गया, कुछ सीज़ किए गए वायलेशंस के लिए, इकोज को चेक किया जा रहा है, ऑटोज को चेक किया जा रहा है। आप देख रहे हैं लोग आजकल हेलमेट पहनते हैं और सीट बेल्ट भी जो है वो लगा रहे हैं लोग। अभी 5 या 10% ऐसे लोग हैं जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं और उनको चालानिंग हो रही है और डॉक्यूमेंट जो है वो साथ में नहीं रखते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर पुलिस का नाका, DSP हेडक्वार्टर खुद यहाँ पर मौजूद है बस स्टैंड किश्तवाड़ में। यहाँ पर बस स्टैंड पे चेकिंग हो रही है गाड़ियों की, रैंडम चेकिंग हो रही है। देखिए खुद गाड़ी साइड पे लगवा दो ऋषभ, खुद बोलेंगे देखिए इधर लगाओ गाड़ी, साइड पे लगाओ गाड़ी और इनका साइड पे लगाया करो गाड़ी, साइड पे यहाँ इस जगह पे लगाओ गाड़ी साइड पे, चेकिंग करो। आप देख रहे हैं लोग आज हेलमेट भी पहनते हैं यहाँ पर, देखिए मैक्सिमम सवारियाँ जो जो मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं वो हेलमेट पहनते हैं। गाड़ी की यहाँ पर चेकिंग हो रही है, पुलिस ने नाका लगाया हुआ है यहाँ पर। इस गाड़ी को इसलिए यहाँ पर रोका गया है क्योंकि इसमें लाइटनिंग लगी है जो कि बैंड है, और जो ये लाइटनिंग है इसके वजह से जो है अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि जो आगे से गाड़ी आती है जब उसकी आंखों में ये तेज़ लाइट पड़ती है जो कलरफुल लाइट है उसकी वजह से जो है उसकी साइट डिस्टर्ब होती है, और रात के अंधेरे के वक्त जब गाड़ी चल रही होती है तो उसकी वजह से जो है वो जो हादसा हो सकता है, इसलिए जो है ये बैंड भी है। और यहाँ पर देख सकते हो आप पुलिस इस तरह से जो है इसकी लाइट को जो है वो रिमूव करा रही है और ऑन स्पॉट रिमूव हो रही है, हालांकि इसके लिए भी जो है वो भारी जुर्माना होता है, लेकिन किश्तवाड़ पुलिस जो है वो आज सिर्फ इसके लिए अवेयरनेस कर रही है हाई बीम लाइट के लिए और इसके लिए, और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो इस तरह से मॉडिफाइड लाइट जो है वो गाड़ियों को सजाने दजाने के चक्कर में जो है वो ना रहे, क्योंकि ये जो है वो बैंड है और इसकी वजह से जो है रात के वक्त अगर इनको जलाया जाए तो हादसा भी हो सकता है। आप देख सकते हो कि किस तरह से जो पुलिस है इसकी गाड़ी से जो है वो जो कलरफुल लाइट्स लगाई गई थी गाड़ी में उनको जो है वो रिमूव कर रही है, और ये जो विजुअल्स हैं ये बस स्टैंड किश्तवाड़ के हैं जहां पर किश्तवाड़ पुलिस इस वक्त ड्राइव चला रही है, और हम देख रहे हैं कि जो चालानिंग है वो हो रही है, लेकिन आज जो है वो जो हाई बीम लाइट है और जो एक्स्ट्रा लाइट्स लगाई गई है जिनको डेकोरेटेड लाइट भी कहा जा सकता है उसके खिलाफ भी जो है वो पुलिस ने आज जो है वो कार्रवाई की है और गाड़ियों से जो है ये लाइटें रिमूव कराई है, और जो यूज़र हैं उनको वार्निंग दी है कि अगर इस तरह की के जो लाइट्स है वो गाड़ी में पाए गए उसके ऊपर जो है वो जुर्माना हो सकता है, यहाँ तक कि गाड़ी भी सीज हो सकती है और इस पर जो है वो 5,000 के करीब जो है वो फाइन भी हो सकता है। अभी हम ये विजुअल्स जो है वो देख रहे हैं, ये बस स्टैंड किश्तवाड़ के विजुअल्स हैं जहाँ पर पुलिस ने जो है वो नाका लगाया हुआ है और यहाँ पर जो है वो चेकिंग जो है वो चल रही है। आप ये विजुअल्स देख रहे हैं, ये बस स्टैंड किश्तवाड़ के विजुअल्स हैं। इसमें भी जो है वो गाड़ी में डिपर लाइट्स लगी हुई हैं, तभी जो है इसको रोका गया है और इनको जो है वो निकालने की डायरेक्शंस दी गई है। डिपर लाइट्स जो है ये
कलर्ड जो है वो अलाउड नहीं है। नीचे वाली भी ये कलर्ड जो है ये नहीं है इनको निकाल दे। ये जो है इस पर काफ़ी कास्टली जुर्माना है। हाई बीम लाइट पे और जो एक्स्ट्रा लाइट्स लगती हैं जिससे आगे से जो ड्राइवर होगा उसको डिस्टर्बेंस होगी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से जो है वो एक ऑफेंस है और उस पर जो है वो चालानिंग भी जो है होती है और इनफैक्ट गाड़ी भी सीज होती है। क्योंकि अब आज ये नई कैंपेन किश्तवाड़ पुलिस ने जो है वो शुरू की है, इसलिए सिर्फ लाइटें उतारी जा रही हैं और आइंदा जो है इन पर काफ़ी हैवी फाइन्स होंगे जिनको मॉडिफाइड लाइट जो है वो गाड़ियों में लगी होंगी। आप देख रहे हैं बस स्टैंड के ये विजुअल्स। यहाँ पर मोटरसाइकिल्स जो है वो सीज किए हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो वायलेशंस के लिए जो है उनको कुछ को सीज किया गया है, कुछ को चालान किया गया है। इस वक्त बस स्टैंड पर जो है वो नाका जो है पुलिस का जारी है और डीएसपी हेडक्वार्टर जो है वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं नाके को। आप देख सकते हो काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ जमा हो गई हैं, काफ़ी लाइट्स गाड़ियों की लाइटें उतारी जा रही हैं जिनको जो आर्टिफिशियल लाइट्स लगाई है उनको जो है वो डोन किया जा रहा है, जो मेजर एक्सीडेंट के की वजह बनती है हाईवेज पे और जब गाड़ी चलाते हैं।